डॉक्टर आलोक चौधरी ने जो कोरोना का समय था उस समय जब हर हॉस्पिटल बंद हो गया था तो उस समय फ्री ओपीडी की गोहाना के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। हमें उम्मीद है कि देहात में जो आदमी थोड़ा पैसे के उसके लिए प्राइवेट सुविधाएं लेने में असक्षम रहते हैं, कोशिश वही रहेगी कि वे आए और उनकी हम अच्छे से डॉक्टर साहब चेक करें, और जो कुछ बेसिक जानकारियां रह जाती हैं कई बार डॉक्टर के पास न जाने के कारण, उन बेसिक जानकारियों से अवगत करा के और एक नई दिशा में स्वास्थ्य को ले जाने की कोशिश है। तो गरीब आदमी जो वहाँ पहुँच नहीं सकता पैसे की तंगी से या वैसे हरासमेंट हो जाती है उसको, यहाँ पर बहुत बढ़िया है। डॉक्टर आलोक चौधरी है, डॉक्टर आरजू मलिक है, क्या कहना चाहेंगे? सर काफ़ी अच्छे डॉक्टर हैं, पहले भी इनके बारे में अच्छा सुना था, अच्छा प्यार से ट्रीटमेंट कर रहे हैं और प्यार से सबको हैंडल कर रहे हैं, और वैसे भी जो है इनका हमारे गाँव के साथ लगाव है तो उसको देखते हुए गाँव वालों का इनसे लगाव है तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा उत्सव, मैं हूँ अनिल खत्री। इस समय छिछड़ाना गांव में हम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ मलिक भवन का जो चबूतरा है यहाँ पर जो है जीत हॉस्पिटल की तरफ से आज एक फ्री चेकअप जो है कैंप लगाया गया है, और यहाँ ग्रामीणों को जो ये सुविधा दी गई है, ये जीत हॉस्पिटल जिनके संस्थापक डॉक्टर वीर सिंह मलिक, उनकी जो बेटी और दामाद जो अब इस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, तो आज यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये फ्री चेकअप कैंप लगाया गया है, इसमें जो है आज यहाँ पर फ्री में जो है बीमारियों का चेकअप किया जाएगा और साथ ही साथ जो है यहाँ पर दवाइयाँ भी जो है वो आज यहाँ पर फ्री दी जाएंगी। तो हमारे साथ जो है बातचीत करने के लिए यहाँ पर डॉक्टर आलोक चौधरी और उनकी पूरी टीम है, तो हम डॉक्टर साहब से बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से जो है ये उन्होंने आयोजन किया है और किस तरीके से आगे जो है ये इस कार्यक्रम को चलाएंगे, क्या उनका इसके पीछे पर्पज है। डॉक्टर आलोक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद बहुत बहुत। सर जिस तरीके से आज जो है छिछड़ाना गांव में ये कैंप लगाया गया स्वास्थ्य जांच के लिए, तो क्या इसके पीछे उद्देश्य है? उद्देश्य ये है कि ये जितनी भी बीमारियां हैं आजकल इस संभाग में बीपी शुगर और दिल की बीमारियों की काफ़ी बढ़ोतरी हो गई है, और उसका कारण है अपना निष्क्रिय रहना, मेहनत ना करना, फिजिकल एक्टिविटी ना करना, लैक ऑफ फिजिकल एग्जर्शन सबसे बड़ा कारण है इसका। और ये बीमारियां तीनों ऐसी हैं कि जब तक ये कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं कर देती हैं तब तक ये अपना कोई लक्षण जरूरी नहीं है, इनका कोई लक्षण आना आपको शुरू हो तो। आमतौर पे क्या देखा गया है कि जो शहरी मरीज हैं वो तो हल्का फुल्का कोई लक्षण आने के बाद चिकित्सक सलाह ले लेते हैं, पर ग्रामीण इससे पिछड़े रह जाते हैं, वो किसी भी कारणवश वो डॉक्टर को दिखाना नहीं पसंद करते जब तक उनकी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, जब तक उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आती है तब तक वो चिकित्सक परामर्श नहीं लेते, और उस समय तक कॉम्प्लिकेशन पैदा हो चुके होते हैं और थोड़ा ट्रीटमेंट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो चुका होता है। तो क्या क्या सुविधाएं हैं सर आज के इस कैंप में? आज के इस कैंप में हम लोग ECG BP शुगर की जांचें कर रहे हैं निःशुल्क, और दवाइयां निःशुल्क दे रहे हैं। तो इसका मेन पर्पज जो आपका है वो लोगों में जागरूकता लेके आने का, लोगों को एक जल्दी स्टेज पे अर्ली स्टेज ऑफ बीमारी पे हम लोग पकड़ लें, तो अगर अर्ली स्टेज पे लोग पकड़ में आते हैं तो ऐसा नहीं है कि डायबिटीज और हाइपरटेंशन आपका जिंदगी भर चलेगा, आपका अपनी दिन प्रतिदिन की जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें कुछ बदलाव करने से आपकी बीमारियां भी रिवर्स हो सकती हैं। डायबिटीज़ बहुत सारे पेशेंट्स की रिवर्स हो जाती है जैसे, जो अपना परहेज रखते हैं, नियमित व्यायाम करते हैं। तो किस तरीके से जो है सर जरूरत महसूस हुई, क्योंकि अभी जैसे जीत हॉस्पिटल का दोबारा से इनॉग्रेशन किया गया तो अब गांव की तरफ आपने जो है आज ये पहला कैंप लगाया है, और जैसा मेरे सुनने में आया था कि महीने में इस तरह से आगे कैंप दिखाई देंगे गाँव में? जी जी बिल्कुल, हम सिर्फ ये कैंप ग्रामीणों की जागरूकता के लिए लगा रहे हैं, उनको उनकी जल्दी स्टेज पे अर्ली स्टेज पे उनकी बीमारी उनको पकड़ के बता दें कि आपको ये बीमारी है, और वो कॉम्प्लिकेशन से उनको बचाने का हमारा उद्देश्य है। आगे गांव में इसी तरह से ये कैंप लगेंगे? बिल्कुल ऐसे ही, अलग अलग गाँव में जाके? बिल्कुल बिल्कुल, अलग अलग गाँव में जाके पूरे रीजन को कवर करने की हमारी इच्छा है, देखते हैं कितना इसमें हम। तो इसमें सर आपकी पूरी टीम आई हुई है? जी जी पूरी टीम आई हुई है हमारी, RMO डॉक्टर प्रदीप हैं, हमारे काफ़ी सारे नर्सिंग स्टाफ है और अलाइड स्टाफ जो भी है वो सब आए हुए हैं। तो जैसे जीत हॉस्पिटल का दोबारा से इनॉग्रेशन किया गया है तो क्या कहना चाहेंगे जिन लोगों को नहीं पता ग्रामीणों को, तो अब वहाँ पर किस तरह की जो फैसिलिटी है? फैसिलिटी तो जीत हॉस्पिटल में सारी है, सिर्फ इंटेंसिव केयर छोड़ के नहीं है, इंटेंसिव ICU केयर की जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसकी फैसिलिटी नहीं है, बाकी तो सारे ही बीमारियों का उपचार उपलब्ध है उधर।
क्योंकि जैसे पहले भी ग्रामीण वहां जुड़े हुए थे डॉक्टर साहब से, तो अब पहले डॉक्टर साहब से जुड़े हुए थे ग्रामीण, तो उस टाइम पे जो है ऑपरेशन की इस तरह की कोई वो सुविधा नहीं थी, लेकिन अब जैसे इनॉग्रेशन हुआ है हॉस्पिटल का, हॉस्पिटल में ओटी है, मतलब मॉड्यूलर ओटी है, ठीक है, और टेक्नोलॉजिकली एडवांस ओटी है जो आजकल वर्ल्ड लेवल पे टेक्नोलॉजीज हैं वो है, और सर्जरी और गाइनी स्त्री रोग विभाग और शल्य चिकित्सा विभाग दोनों 24 घंटे कार्यरत है। डॉक्टर वीर सिंह मलिक की बेटी आरजू मलिक भी हमारे साथ मौजूद है। मैम आज जो है छिड़ाना गांव में ये स्वास्थ्य जांच शिविर का कैंप लगाया, क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली हम बहुत टाइम से चाह रहे थे कि गांव में आके हम अपनी सेवाएं प्रदान करें, क्योंकि बहुत सारे मरीज ऐसे हैं जो हॉस्पिटल तक नहीं आ पाते, या फिर उनकी समस्या इतनी गंभीर नहीं कि वो हॉस्पिटल तक आए, लेकिन अगर हम गांव में ही आ जाएं तो छोटी मोटी बीमारियों को भी टाइम से इलाज ले पाए। दूसरा हमारा ये उद्देश्य है कि कुछ ऐसी बीमारियां जैसे शुगर बीपी जिनका रूटीन चेकअप नहीं हो पाता, तो हम हर मरीज का जो भी कैंप में आ रहा है उनका शुगर बीपी हम चेक करना चाहते हैं, किसी की कोई लंबी बीमारी चल रही हो तो हम टाइम से पहले पकड़ पाए, तो इसी उद्देश्य से आ जाए। महिलाओं की बात करें मैम, महिलाओं में किस तरह के जो है बीमारियाँ आप देख रहे हैं? ठीक है, यंग महिलाओं में और बड़ी महिलाओं में दोनों में एक तो खून की कमी बहुत ज़्यादा है, दूसरी जो प्रॉब्लम है कि शुगर और बीपी की जो समस्या है वो लेडीज में स्पेशली कम पकड़ में आती है, क्योंकि उनके जो लक्षण है वो बहुत लेट आते हैं। दिल की बीमारी के भी लक्षण लेडीज में अलग तरीके से आते हैं, जैसे पेट में दर्द आता है, छाती में दर्द नहीं आता, तो इस हिसाब से हम सबका शुगर बीपी चेक कर ही रहे हैं। उसके अलावा जो भी मेंसेस से रिलेटेड या बच्चेदानी से रिलेटेड कोई भी समस्या है, तो इसलिए हम पूरी सुविधा के साथ आए हैं कि उसका चेकअप हम कैंप में कर पाए। बहुत सारी लेडीज ऐसी हैं जो हॉस्पिटल आने में झिझकती है या बताने में झिझकती हैं, तो अपने लेवल पे जो टेस्ट हम यहाँ कर सकते हैं वो सुविधा है। तो मैम देख रहे हैं कि बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, तो क्या सभी को चेक किया जाएगा या? मैं जो भी मरीज हमारे पास अभी आ रहे हैं सबका बीपी तो हम चेक कर रहे हैं, उसके अलावा उनके जो लक्षण हैं उसके हिसाब से और उम्र के हिसाब से मैं चेकअप कर रही हूँ कि जो जो जरूरी चेकअप है वो सबका हो जाए। तो आगे भी इस तरह के कैंप लगते हैं? हाँ जी, हमारी यही उद्देश्य यही है कि एटलीस्ट महीने में एक बार हम कैंप जरूर लगाए, क्योंकि हॉस्पिटल के हिसाब से टाइम निकाल के हम आए हैं। तो कैसा लगता है जैसे गांव में जाते हैं? नहीं, गांव आके तो बहुत खुशी होती है, बिल्कुल ऑब्वियसली गांव आके बहुत अच्छा लगता है, हम गांव से ही हैं सब और अब अपने जो लोगों से मिलके अच्छा ही लगता है, तो बहुत बढ़िया लगता है। डॉक्टर रोहित वीरवानी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सर आज जो है ये छिछड़ाना गांव में कैंप लगाया गया है, तो क्या कहना चाहेंगे? ये जनमानस के लिए हमने कैंप लगाया है जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और कैंप की फैसिलिटीज़ का फायदा उठाएँ। इससे हम अवेयरनेस फैलाना चाह रहे हैं कि जो जो बीमारी सर्जरी से रिलेटेड, मेडिसिन से रिलेटेड, गायनी से रिलेटेड है, उसका हम या तो निवारण यहाँ पे कर देंगे या फिर अपने हॉस्पिटल में ले जाकर करा देंगे। आप जैसे सर्जरी से रिलेटेड हैं, तो किस तरह से मानते हैं कि गांव में सर्जरी से रिलेटेड किस तरह की जागरूकता लोगों में लेके आए? देखो कई तरह के केसेस होते हैं, जैसे हर्निया है, फिस्चुला है, बवासीर है, और उसके बाद पित्त की थैली में पथरी है, रीनल स्टोन है, हम इसको नेग्लेक्ट करते रहते हैं, लेकिन ये लेटर ऑन एक बड़ा रूप कर लेती है और फिर वो हमें नॉर्मल एक्टिविटी नहीं करने देती, तो आदमी जो काम कर रहा होता है वो बेड पे बैठ जाता है, उससे फिर पूरी अर्थव्यवस्था वो हो जाती है, खराब हो जाती है। जी, हॉस्पिटल में बैठ के जब मरीजों से मिलते हैं और गांव में जब कैंप लगते हैं वहां मरीजों से मिलते हैं, तो क्या अलग से महसूस होता है? ज़्यादा बेटर गाँव में लगता है, क्योंकि हम जो फैसिलिटीज शहर में दे पा रहे हैं अगर वो गाँव में भी उतनी ही दे दें तो ज़्यादा फायदा होगा गाँव वालों के लिए। छिछड़ाना गांव के जो है सरपंच और ग्रामीण भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। राम राम जी सरपंच। राम राम जी। क्या कहना चाहोगे जी आज आपके गांव में जो है जीत हॉस्पिटल की तरफ से ये फ्री चेकअप कैंप लगाया गया? इसके बारे में मैं वीर हॉस्पिटल और उनकी पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो समाज सेवा का बीड़ा इन्होंने उठाया है, इसके लिए मैं इनका बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो क्या बहुत अच्छी बात है, गांव को किस तरह से फायदा होगा? गांव को जो गरीब आदमी है उनको फायदा ही फायदा है, बिना पर्ची के निशुल्क उनको बेहतरी इलाज मिलेगा, तो एक बहुत अच्छा ही लगेगा उनको। राम राम। तो भाई, अच्छा, आप बोलोगे जी? राम राम जी। राम राम। क्या नाम है जी?
राम कुमार मलिक। अच्छा जी मलिक साहब, क्या कहना चाहोगे आज जो ये आपके गांव में कैंप लगा है? ये बहुत बढ़िया अशाब है। एक तो गरीब आदमी जो वहाँ पहुंच नहीं सकता पैसे की तंगी से या वैसे हरासमेंट हो जाती है उसको, यहाँ पर बहुत बढ़िया है। और हम तो डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। पहले डॉक्टर वीर सिंह मलिक का पूरे एरिया में नाम था, अब उनकी बेटी और दामाद उस हॉस्पिटल को आगे बढ़ा रहे हैं। देखो जी, वो तो एक अलग से चीज थी, लेकिन ये भी कसर नहीं छोड़ेंगे किसी किस्म की भी। हमने जाकर भी देख लिया, इलाज भी करा लिया। अच्छा, गए थे हॉस्पिटल में? गए थे जी। कैसा नेचर लगा? बहुत बढ़िया नेचर है जी, एकदम से आदमी को सेटिस्फाइड कर देते हैं। और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। राम राम जी। राम राम जी, क्या नाम है जी? समुंदर सिंह मलिक के सचिव के थोड़ा खाप जी। मलिक साहब, क्या कहना चाहोगे, डॉक्टर साहब की टीम आ रही है आपके गांव में? ऐसा है जी, उससे पहले तो मैं डॉक्टर वीर सिंह का धन्यवाद करना चाहूँ जो मतलब हमारे को मतलब इतनी बड़ी उपलब्धि दे गया और उसका इष्ट पुत्र विशेष गया मतलब वो सहयोग रहा है, मैं उसको धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसके बाद जो इन्हें अपना समिति अध्यक्ष ने फैसला लिया है, अब सबसे पहले हम यहाँ जो पुण्य का काम है गठवाड़ा खाप के चबूतरे से शुरू करते हैं और हम इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं और आगामी भी इसी तरह चलता रहे ताकि समाज की सेवा पूरी होती रहे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जितेंद्र मलिक। अच्छा जी मलिक साहब, आप भी क्या कहना चाहोगे? देखिए, डॉक्टर वीर सिंह मलिक ने 2008 से शुरुआत की थी, एक शिक्षा एंड स्वास्थ्य समिति बनाई थी जो बच्चों को प्रोत्साहित करते थे और निःशुल्क स्वास्थ्य कैंप भी लगाते थे। अब वो है नहीं, वो एक लाइन दे के चले गए। उसके बाद अब उनके लड़के हैं मोहित मलिक, उनको अध्यक्ष बनाया शिक्षा एंड स्वास्थ्य समिति ने और उन्होंने डिसीजन लिया कि इस काम को हम आगे जारी रखेंगे। हर गांव में मतलब हर संडे जितना भी हमें टाइम लगेगा, हम महीने में एक या दो कैंप होंगे तो हर गांव को कवर करने की एक उनकी इच्छा निःशुल्क, तो यह क्षेत्र के लिए बहुत ही अच्छी बात है। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों की मतलब दोनों ही क्षेत्र में हमारे गोहाना तहसील के लिए बहुत अच्छी बात है और हम डॉक्टर साहब का धन्यवाद करते हैं बार बार, डॉक्टर आलोक चौधरी का, जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है जी? मेरा नाम राजवीर मलिक है जी। हाँ जी मलिक साहब, तो लगता है गांव में इस तरह के कैंप लगने से फायदा भी होगा और जागरूकता भी आएगी। हाँ, इस किस्म के पर ये होने में जी, एक तक बुजुर्ग आदमी है, जो गरीब आदमी है, सारे अड़ गए गांव में, तक उन आड़े जब आड़े इलाज हो जाएगा तो बहुत बढ़िया चीज है। इस किस्म की तो परंपरा चालू रहनी चाहिए और डॉक्टर साहब ने ये जो प्रोग्राम चालू कराया है ये बहुत अच्छा है। हम इसका मतलब दिल तक घर आते हैं, इसका स्वागत करा हाँ, बहुत बढ़िया काम है। हाँ जी वर्मा जी, आप भी पहुंचे हैं गोहाना से यहाँ चिचड़ाना गांव में, क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर वीर सिंह के उपरांत जो इनके बेटे ने और बेटी ने ये बीड़ा उठाया है, इस बीड़े के प्रति पूरे गांव वालों ने और शहर वालों ने बहुत अपनी जो समस्याएं थी ना उसे निजात मिला है। बहुत बड़ी उपलब्धि है ये और जो इस प्रथा को ये निभा रहे हैं, निस्वार्थ सेवा कर रही है। मेडिसिन वगैरह वगैरह इलाज कोई किसी से पैसा नहीं लेते। ये इनकी आस्था तो पहले भी मरीज के प्रति बहुत ज्यादा थी, पैसे के आधार पर नहीं, एक निस्वार्थ सेवा करने के आधार पर गोहाना में भी पूरे समस्त गोहाना गांव भी हैं जिसमें सबकी निस्वार्थ सेवा करते थे। पैसे के बल पे कभी उन्होंने यूं नहीं देखा कि भाई इस मरीज के पास पैसा है कि नहीं, उसने सेवा करनी है, उनका मुख्य उद्देश्य यही रहा है। मैं यही कहना चाहता हूँ। हाँ जी, क्या कह रहे थे? मैं कह रहा डॉक्टर आलोक चौधरी ने जो कोरोना का समय था उस समय जब हर हॉस्पिटल बंद हो गया था तो उस समय फ्री ओपीडी की गोहाना के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, तो लोगों की बहुत बड़ी सेवा की उस समय कोरोना के टाइम पे जब सब डॉक्टर अपने घर थे तो उन्होंने एक फ्री ओपीडी करके लोगों की कितनी सेवा की, बहुत सारे डॉक्टरों ने कितना पैसा बनाया होगा उस टाइम पे और उन्होंने फ्री में इलाज किया, तो एक हमारे लिए तो ये मानो कि एक बहुत अच्छे इंसान इस एरिए में आए हैं डॉक्टर वीर सिंह मलिक के बाद। हाँ जी, आप क्या नाम है जी? विजेंद्र। अच्छा जी, क्या कहना चाहोगे जी? देखो, सबसे अच्छी बात है स्वास्थ्य के ऊपर जो वीर सिंह जी के दामाद ने लड़की ने जो कार्य किया है वो एक सराहनीय कार्य है और समाज के लिए सबसे बड़ी चीज है कि समाज में जो मतलब
अच्छे काम करता है उसको आदमी जिंदा रखते हैं और उसको इंसान भगवान उसको दुगनी उन्नति दे तरक्की दे, क्योंकि एक सेवा सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ा भाव। स्वास्थ्य समिति का बीच में प्रधान भी रहा हूं। अच्छा, प्रधान भी रहे यहाँ पहले। क्या कहना चाहोगे जी ये जो प्रोग्राम शुरू हुए हैं? डॉक्टर वीर सिंह शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित थे, तो उन्होंने स्वास्थ्य के प्रति तो पूरा लगन निष्ठा के साथ काम किया ही। स्वास्थ्य के शिक्षा के क्षेत्र में भी विभिन्न कैंप लगा करके जो प्रतिभाशाली छात्र थे उनको सम्मानित किया। इसके साथ साथ जहां पर आज कैंप लगाया जा रहा है गठवाड़ा खाप चबूतरा पर, उसके पहले संरक्षक थे, उसके बाद में उनके भाई संरक्षक थे और अब उनके दामाद श्री आलोक चौधरी, बिटिया अर्जु मलिक और विवेक अहलावत और गायनी के क्या ना ये इसके फिजियोथेरेपी के साथ में विरमानी जी, इन डॉक्टरों ने चारों ने आज अलग अलग क्षेत्र में कैंप लगाए जा रहे हैं, तो हम इस पर पूरा डॉक्टर पर गर्व है। डॉक्टर वीर सिंह मलिक के उत्तराधिकारी उन पर गर्व है और बेटा विवेक मोहित मलिक है वो जो कि आजकल हमारे शिक्षा स्वास्थ्य समिति के प्रधान है उन पर भी गर्व है और ऐसे गौरवान्वित व्यक्तियों के साथ काम करने में हम भी गौरव का अनुभव करते हैं। बैसवाड़ गांव के सरपंच संदीप मलिक भी हमारे साथ मौजूद हैं। सरपंच साहब, ये कैंप लगाया गया है चिचड़ाना गांव में, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले हरियाणा उत्सव के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से, जो हमारी शिक्षा स्वास्थ्य समिति है उसकी तरफ से बार बार धन्यवाद और आभार करते हैं कि उन्होंने आप लोगों ने ये टाइम निकाल के हमारे प्रोग्राम को दिखाने की कोशिश की। हमारा डॉक्टर साहब ने एक उद्देश्य स्टार्ट किया था कि देहात तक एजुकेशन को और शिक्षा को और स्वास्थ्य को हम आगे तक बढ़ाएं। उसी से कड़ी से जोड़ते हुए हमारे परिवार ने ये काफ़ी टाइम से बीच में जो गैप आया है कुछ रीजनों के कारणों से नहीं देख पाए हम सुविधा, अब बारी बारी से प्रत्येक गांव की कोशिश तो नहीं बन पाएगी। जैसे यहाँ चार पांच गांव का ये कैंप हुआ है, नेक्स्ट एक गाँव की तरफ है, दूसरे गाँव की तरफ, हम पूरे एरिया में ये कोई वो नहीं कि भाई हमें एक ही गाँव से करना है या चबूतरे के उससे ही, किंतु वो दादा बाड़देव से जैसे मलिकों का यहाँ से आवास है, इसीलिए कैंप का भी हमने यहीं से शुभारंभ करने का प्रयास किया है। हमारे प्रधान कुलदीप जी जो गठवाड़ा खाप के प्रधान है हमारे, उनके निर्देश में ये कैंप की और पूरी कमेटी के साथ मिलकर हमने ये कैंप आयोजन किया है। हमें उम्मीद है कि देहात में जो आदमी थोड़ा पैसे के उसके लिए प्राइवेट सुविधाएँ लेने में असक्षम रहते हैं, कोशिश वही रहेगी कि वे आएँ और उनकी हम अच्छे से डॉक्टर साहब चेक करें और जो कुछ बेसिक जानकारियां रह जाती हैं कई बार डॉक्टर के पास न जाने के कारण, उन बेसिक जानकारियों से अवगत करा के और एक नई दिशा में स्वास्थ्य को ले जाने की कोशिश है, जैसा कि प्रधान जी ने यहाँ बनाने का ये उचित है। और हमारी टीम इससे जुड़ने के बाद काफ़ी लंबे समय से जुड़ी हुई है और उसमें हमारे एक ही उद्देश्य है कि जन सेवा, उसी जो डॉक्टर साहब ने कड़ी जोड़ी थी हमारे स्वर्गीय चाचा जी जी डॉक्टर वीर सिंह मलिक, उसी उद्देश्य की उन्हीं पद चिन्हों पर चलते हुए हमने आज ये कैंप का आयोजन किया है।